क्या धोनी रोहित और कोहली के लिए राम से बड़ा हो गया काम? पूरा देश पूछ रहा है क्यों नहीं पहुंचे अयोध्या धाम। जी हां, रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान, विराट कोहली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, इन तीनों महानुभावों को बड़े आदर सम्मान के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर आने का न्योता दिया गया था। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए बकायदा बुलाया गया था, निमंत्रण भेजा गया था। पूरे देश भर के, सोचिए 140 करोड़ हमारी जनता है, उसमें से गिनती के 500 हजार लोगों को आमंत्रण भेजा गया था राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। कितने वीवीआईपी हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ये मौका मिला था। कई बड़े बड़े वीवीआईपी पहुंचे, यानी लगभग सभी पहुंचे जिनको जिनको निमंत्रण किया सभी पहुंचे, लेकिन तीन चेहरे गायब, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। पहले बात धोनी और रोहित शर्मा की, क्योंकि विराट के बारे में कहा जा रहा है थोड़ा पर्सनल रीजन चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। महेंद्र सिंह धोनी, बीते एक हफ्ते में आपने देखा होगा कभी टेनिस खेलता हुआ उनका वीडियो सामने आ रहा है, कभी कहीं इवेंट में पार्टी करते हुए उनका वीडियो सामने आ रहा है, कहीं किसी पार्टी में थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ट्रोल भी हुए थे थोड़ा सा कि धोनी तो इतने लोगों के करोड़ों के आदर्श हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, यानी इन सब के लिए उनके पास टाइम है, एडवर्टीजमेंट्स के लिए टाइम है, इवेंट्स के लिए टाइम है, टेनिस खेलने के लिए टाइम है, लेकिन भगवान राम के लिए टाइम नहीं है। भगवान राम से बड़ा उनके लिए अपना काम है। ये लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया उठाकर आप देख लीजिए, लोग धोनी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि धोनी अब टीम इंडिया के साथ खेलते भी नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा ऐसी अर्जेंसी तो है नहीं कि भाई कोई सीरीज चल रही हो बीच में से आपको छोड़ के आना हो, तो धोनी आ सकते थे, अयोध्या जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। इस वजह से भी उनके फैंस बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि धोनी ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं है, लेकिन बीते कुछ समय से कंट्रोवर्सी लगातार उनके साथ हो रही है। तो अब धोनी ने जाकर सही किया नहीं किया, ये आप बताइए कमेंट करके, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं रोहित शर्मा की बात करता हूं। रोहित शर्मा भी नहीं पहुंचे, कहा यह जा रहा है कि उनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लगभग दो दिन पहले ही इन्विटेशन मिला था, लगभग 20 तारीख को उनको इन्विटेशन मिला था, ये कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अंदर की बात में कितना दम है कितना नहीं, लेकिन इन्विटेशन मिला था ये तो तय है, लेकिन इतना लेट मिला था, और अगर मिला भी था तो वो जा सकते थे, एक फ्लाइट पकड़नी होती है 3-4 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन रोहित शर्मा भी नहीं पहुंचे। उसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को हैदराबाद पहुंचना था, जहां पर टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच से 25 तारीख से टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होनी है, और क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा समय टीम इंडिया के पास नहीं है, 22, 23, 24 से 3 दिन की ही प्रैक्टिस होनी है, तो ऐसे में रोहित शर्मा का हैदराबाद पहुंचना जरूरी था, इसलिए उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी वक्त को वहां जरूरी नहीं समझा, वहां नहीं गए, वो सीधा हैदराबाद चले गए, नेशनल ड्यूटी थी, टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना था इसलिए। लेकिन उसके लिए भी तमाम फैंस कह रहे हैं कि भाई पहले अयोध्या चले जाते, 2-3 मई तक सब फ्री हो गए थे, उसके बाद आप फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैदराबाद, कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी टीम तो पहुंच ही गई थी, तो ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा मौका सदियों में एक ही बार आया है, 500 सालों की लड़ाई के बाद एक बार मौका आया था, तो वो एक दिन दिया जा सकता था भगवान राम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से क्रिकेटर पहुंचे। भाई अगर रोहित शर्मा को सीरीज खेलनी थी, प्रैक्टिस के लिए पहुंचना था, तो क्या रविंद्र जडेजा को प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचना था? रविंद्र जडेजा भी तो टेस्ट टीम में शामिल है, जडेजा भी तो 25 तारीख से टेस्ट खेलेंगे, वो क्यों अपनी पत्नी के साथ पहुंचे? उन्होंने भगवान राम का आदर किया, सम्मान किया, उनके मन में राम के प्रति आदर भाव था, इसलिए वो पहुंचे, तो रोहित नहीं पहुंचे, तो इसलिए भी लोग फैंस थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि तमाम क्रिकेटर्स थे, वेंकटेश प्रसाद थे, सचिन तेंदुलकर थे, अनिल कुंबले थे, रविंद्र जडेजा थे, लेकिन ये तीनों नहीं थे। खैर, रोहित जाने क्यों नहीं पहुंचे। आगे बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि भाई एक दिन पहले विराट कोहली पहुंचे भी थे अयोध्या, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे तो दिखे नहीं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है विराट कोहली का कॉन्वॉय, विराट कोहली का काफिला पहुंच गया अयोध्या, तो ये कहा जा रहा है एक दिन पहले यानी 21 तारीख को, लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि रात ही रात कुछ इमरजेंसी हुई है फैमिली, इस वजह से वो निकल आए, और तुरंत उन्होंने बीसीसीआई को भी बोल दिया कि भाई मैं शुरुआती 2 टेस्ट के लिए कुछ पर्सनल रीजन है, कुछ इमरजेंसी है, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। बीसीसीआई ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया और उन्हें छुट्टी दे दी, बाकायदा तस्लीस जारी करके बीसीसीआई ने बताया
कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत है पर्सनल, इस वजह से विराट कोहली नहीं शुरुआती दो टेस्ट में शामिल रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप भी इस फैसले का सम्मान करेंगे जैसे कि हमने किया है। विराट कोहली को उनका पर्सनल स्पेस हम देंगे, यानी कुछ तो दिक्कत हुई है, नहीं तो विराट कोहली इतनी आसानी से छुट्टी तो नहीं लेते, कुछ तो दिक्कत हुई है। तो विराट भी नहीं पहुंचे, विराट के जिन फैंस को ये सब रीजन नहीं पता है वो भी उनसे नाराज है कि विराट तो दर दर भगवान के दर दर अभी बीते काफी समय से घूम रहे हैं, हर मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर गए हैं, मथुरा गए, उत्तराखंड गए, कहाँ नहीं गए, उज्जैन भी गए, जहाँ जहाँ जाते हैं क्रिकेट के सिलसिले में वहाँ जहाँ भी बड़ा मंदिर होता है पहुँचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मौका आया तो कुछ पर्सनल रीजन बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं पहुँच पाए, लेकिन लोग नाराज हैं। मुझे आप बताइए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इस पर सवाल किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया सवाल पूछ रहा है, तमाम फैंस सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उनका सवाल आपके सामने लाना जरूरी था तो मैं ले आया हूं। अब आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है, तीनों ने सही किया गलत किया, जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं, खबर हो विवाद हो इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।